16 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। उसके बाद फिर मैं बांग्लादेश में एंट्री कर गया था और 17 दिन में बांग्लादेश में रुक कर। लेकिन मेरा मेन मोटो है हर एक जगह जाना। आप जानते हैं कि इंडिया में जैसे स्टेट चेंज करते हैं तो चीज़ें सब कुछ बदल जाता है, खाना, रहना सहना, बोली चाली, सब चीज़ बदल जाता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, उनके कल्चर में ही मतलब वेलकमिंग है। भौगोलिक स्थिति अगर देखा जाए तो जो आसाम है वो फ्लैट एरिया है, और सेवन सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर पूरा आता है, और एक डब्बा रख के अपने काम करने चल जाते हैं और वो फिर शाम को आते हैं। तो जो भी अगर आप जा रहे हैं उस पे दाम लिखा हुआ है, एक केला का एक बंडल रखा हुआ है 10 का या 20 का जो भी उसमें है, और उसमें दाम लिखा हुआ है, तो आप उठाइए और उस पे जो भी पैसा लिखा हुआ है कीमत उस डब्बे में डाल दीजिए। वहाँ पे कोई रुकता हूँ, गाँव में तो दिक्कत नहीं होता, गाँव में किसी गाँव में जाता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं रुकना चाहता हूँ तो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। बड़े शहरों में थोड़ा सा रुकने में दिक्कत होता है। दोस्त मिला, एक साथी मिला जो साइकिल में तिरंगा झंडा को बांध के हाईवे में चले जा रहे थे, तो मैंने उसको पूछने का प्रयास किया कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं और क्या मोटिव है इस साइकिल यात्रा का। तो मैं भी उससे उतना ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ है, बस चाय पी के हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करने वाले। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या इनका जो यात्रा कर रहे हैं इसका उद्देश्य, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपको झारखंड में स्वागत है। थैंक यू सो मच आपका और झारखंड वासी का कि आपने मेरी साइकिल रोकी और बातचीत की। मेरा नाम धीरज है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का। लेकिन मैं ये साइकिल यात्रा है वो पंजाब पठानकोट से शुरू किया है और अब तक मैं 16 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। उसके बाद फिर मैं बांग्लादेश में एंट्री कर गया था और 17 दिन में बांग्लादेश में रुक कर बेनापोल से बाहर कोलकाता पहुँचा। तो कोलकाता पहुँचने के साथ साथ मेरा 16 स्टेट हो गया है और अभी मैं रांची की तरफ जा रहा हूँ, रांची पहुँचने के साथ 17 स्टेट हो जाएगा। तो 1 साल 28 दिन हो गया है, 11 नवंबर 2021 को मैं निकला था। अच्छा, आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को कवर कर लिया है, तो अभी किधर जाना है, आपका टारगेट क्या है? और अभी मेरा जो मकसद है ऑल इंडिया का है, ऑल इंडियन स्टेट, सारे इंडिया के जितने स्टेट हैं उसको टच करने का है। और मैं एक्चुअली मैं साइकिलिस्ट नहीं हूँ, साइकिल से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटो है हर एक जगह जाना। आप जानते हैं कि इंडिया में जैसे स्टेट चेंज करते हैं तो चीज़ें सब कुछ बदल जाता है, खाना, रहना सहना, बोली चाली, सब चीज़ बदल जाता है। तो उसको देखने समझने के लिए मैं निकला हूँ और मैं भी मतलब एकेडमिक में हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने बीए में पटना से किया है और एमफिल 2019 में दिल्ली से किया था, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो एक जानने के लिए, इंडिया को अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए, चूँकि इंडिया अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड है, इसमें पूरा प्लस से लेकर पूरा माइनस तक है, रेगिस्तान से लेके पूरा बर्फ तक है, पूरा इंडिया में मिलता है। तो बहुत सारा कुछ है इंडिया में, उसी को देखने, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आप पूरा इंडिया को जानने के लिए आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं, कि कुछ और मोटिव है आपका साइकिल यात्रा करने का? मेन मोटिव तो है जानने समझने के लिए, और दूसरा ये भी है कि मैं निकला हूँ, इस पर लिखा हुआ है वर्ल्ड स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन लाइक एनी क्लास, क्लास, जेंडर, रिलीजन। तो मैं चाहता हूँ कि जो दुनिया में जो भेदभाव है, होता है, वो नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी। तो उसका लेकर एक मतलब मैसेज है लोगों के लिए, दुनिया के लिए, कि आप भेदभाव किसी प्रकार के ना करें। तो ये है मेरा लोगों के लिए मैसेज और खुद के लिए है कि मैं समझने के लिए। 16 स्टेट में आपको किस तरह का भेदभाव या फिर किस तरह का वातावरण, किस तरह का सामाजिक स्थिति देखने को मिला आपको? देखिए मतलब मेरे साथ तो उस तरह से नहीं हुआ भेदभाव, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत। तो यूपी में मेरा मोबाइल छिनाया था आगरा हाईवे के पास। अच्छा। और आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग जनरली यही मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भी जैसे झारखंड पूरा जंगल है ऐसे है, तो उस तरह से मानते हैं कि वहाँ पे भी जंगल है, लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, बहुत लिटरेसी वगैरह नहीं है, बहुत सारा जंगल में रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट अगर आप जाते हैं या फिर कोई भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा वेस्टर्न कल्चर जो है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, उस तरह से वहाँ पे लिटरेसी वगैरह भी आप देखते हैं कि जो केरला है लिटरेसी में नंबर 1 पे है और मिजोरम नंबर 2 पे आ जाता है। तो पूरा वेस्टर्न कल्चर है, खान पान, रहन सहन बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड हाई लिविंग है वहाँ पे। तो जाने के बाद पता चलता है, इस तरह से जो मीडिया है मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं दिखाता है। तो जाने के बाद मुझे पता चला, ऐसे भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था तो पता था, लेकिन
जाने के बाद और अच्छे से पता चला। ऐसा होता है ना कि नॉर्थ ईस्ट को कहीं ना कहीं हम लोग भुला देते हैं। मैरी कॉम कहाँ की है? हाँ। ना वो अपना अगर मणिपुर बोलती है तो बोलती कि मणिपुर कहाँ है। हाँ। ठीक है, इस तरह का मतलब लोग को जानकारी नहीं है, या इंडिया का भी नहीं है और वर्ल्ड में भी नहीं है। जी, तो आपको अगर आप उस स्टेट का दौरा किए हैं तो वहाँ क्या क्या देखने को मिला, और थोड़ा डीपली अगर बताएंगे तो अच्छा होगा, किस तरह लोग आपके साथ बिहेव किया, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, उनके कल्चर में ही मतलब वेलकमिंग है। तो वो आप जैसे जाएंगे तो आपको वेलकमिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, खाना खिलाएंगे पिलाएंगे। तो मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और लोग अच्छे से ट्रीट किए। लैंग्वेज भी बिल्कुल उनका अलग है, जैसा हम देखते हैं दिल्ली में वगैरह में भी देखते हैं कि कुछ कुछ खबरें आती है उनके साथ भेदभाव का, कि मतलब आप चाइना से हैं ऐसे, चूँकि उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, हाइट थोड़ा कम है, तो इस तरह से भेदभाव करते। तो वही है कि मतलब नहीं होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है कि ओलंपिक वगैरह जो भी होता है तो नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे इस सब चीज़ में रहता है। फुटबॉल हो गया या फिर ओलंपिक में जो भी है, जिमनास्टिक वगैरह है, उस सब में बहुत नॉर्थ ईस्ट आगे है। तो बहुत आगे है और उसको प्रमोट करना चाहिए। और वही है कि मतलब आप पहले जाइए, वहाँ पे घूमिए फिरिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा, आप भौगोलिक स्थिति अगर देखा जाए तो जो आसाम है वो फ्लैट एरिया है, और सेवन सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर पूरा आता है। तो असम जो है फ्लैट एरिया है, बाकी पूरा पहाड़ी है। और हम एक चीज मतलब नोट किए हैं कि इंडिया में जितने सारे अलग अलग स्टेट है पहाड़ी वाला, सबका अलग अलग है बिल्कुल। जैसे मैं अभी मेघालय में देखा तो पूरा पहाड़ है, उसके बाद फिर फ्लैट एरिया आता है, और आप फ्लैट एरिया बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो पहाड़ देख रहे हैं, ऊपर में फ्लैट एरिया नहीं दिख रहा क्योंकि ऊपर में पहाड़ है, लेकिन मेघालय में फ्लैट दिखता है काफ़ी। और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो बिल्कुल बदलता है, तो पहाड़ भी बदल जाता है। मैं मिजोरम में था, मिजोरम में बिल्कुल चढ़ाई है, एक गांव दूसरे से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पे है, तो काफ़ी। और ईमानदारी अलग लेवल का है। मैं देखा मिजोरम में, कोई भी नहीं सोचता था कि मिजोरम में इस तरह का मतलब लोग इतना ऑनेस्ट हैं। तो मैं जब हाईवे से मतलब जब जा रहा था तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कोई भी गांव नहीं है, और जो किसान आसपास में है वो अपना फसल उगाते हैं, जैसे केला हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, वो इंस्टॉल पे हाईवे में लगा देते हैं और सब पे दाम लिख देते हैं, और एक डब्बा रख के अपने काम करने चल जाते हैं, और वो फिर शाम को आते हैं। तो जो भी अगर आप जा रहे हैं उस पे दाम लिखा हुआ है, एक केला का एक बंडल रखा हुआ है 10 का या 20 का जो भी उसमें है, और उसमें दाम लिखा हुआ है, तो आप उठाइए और उसमें जो भी पैसा लिखा हुआ है कीमत, उस डब्बे में डाल दीजिए। वहाँ पे कोई नहीं है और ये दिन भर होता है, ईमानदारी एकदम नेक्स्ट। हाँ, ये इतना है, मतलब मैं भी देख कर दंग रह गया कि इंडिया में इस तरह का ईमानदारी है। तो ये सब चीजें है। अच्छा, ये जो आप 16 स्टेट घूमे, तो इसमें आपको सर्वाइव करने के लिए कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पे ठंडा, कहीं पर पहाड़ी, कहीं पर मैदानी इलाका, इसमें कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे ये जो बैग देख रहे हैं इसमें पूरा सब कुछ है, इसमें टेंट है, स्लीपिंग बैग है, इमरजेंसी के लिए सब चीज है। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। मैं लोग जा रहा हूँ तो लोग खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, कई लोग मैं किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ, लेकिन गूगल देखकर लोग समझ जाते हैं या डोनेट करते हैं। और अब तक मैंने रहने पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। मैं रहने के लिए अलग अलग जगह, किसी ढाबा में रुक गया या फिर पेट्रोल पम्प पे, बहुत पेट्रोल पम्प पे बहुत कम रुका, मुश्किल से 10-12 जगह रुका होगा, बाकी लोग में मतलब मंदिर में, गुरुद्वारे में। और मैं कभी अकेला नहीं रुकता हूँ, ऐसा नहीं कि मंदिर है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है, आसपास में रुकना कोई होना चाहिए, तो ऐसे जगह पे रुकता हूँ। अब मेरा मेन मोटो ही है कि मतलब लोगों से बातचीत करना, तो बस लोगों के पास जाता हूँ और रुकता हूँ। गांव में तो दिक्कत नहीं होता, गांव में किसी गांव में जाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं रुकना चाहता हूँ, तो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। बड़े शहरों में थोड़ा सा रुकने में दिक्कत होता है, तो वहाँ पर भी जगह है, मंदिर है, गुरुद्वारे है, चर्च है, बहुत सारा चीज़ है, या फिर धर्मशाला है, तो बहुत सारा तरीका है रुकने का। और वो काउच सर्फिंग बहुत सारा है, तो उस पर मैं नहीं जाता हूँ, बस सीधे मैं डायरेक्ट लोगों के पास जाता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ और मिल जाता है, तो बिल्कुल आराम से चल रहा है। ये साइकिल मेरी मिजोरम में एक्सीडेंट होकर टूट गया था, तो ये साइकिल मेरी दूसरी है। मैं सोशल मीडिया पर डाला था कि मेरी साइकिल टूट गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, एक दिन में आ गया था 27,000। तो लोग मतलब दुनिया मतलब इंडिया काफ़ी वेलकमिंग है, और बाहर भी लोग वेलकमिंग है। मैं बांग्लादेश में भी 17 दिन रुका तो लोग काफ़ी वेलकमिंग किए, वहाँ पर साइकिल का अलग क्रेज़ है, लोग साइकिलिंग ग्रुप है, तो अलग अलग सिटी से लोग मुझे रिसीव करने आते थे, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर छोड़ने जाते थे। और मेरा खर्च नहीं हुआ बांग्लादेश में, मैं भी एकदम दंग रह गया। मैं पैसा लेके गया था 15,000,
लेकिन खर्च नहीं हुआ, 1000 सिर्फ खर्च हुआ और बाकी पूरा पैसा बचा। तो मतलब है खूबसूरत, जब हम निकलते हैं बाहर तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे जो मेरा है कि आप अभी इस हमारे जो मिशन है इसमें शामिल हों, और कहीं पे अगर आप भेदभाव देखते हैं तो उस पर आप बातचीत रखिए। आप बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बातचीत के जरिए ही बहुत सारा कुछ हल कर सकते हैं। तो ये मेरा है कि जितने सारे यूथ हैं या फिर बाकी जो कम्युनिटी हैं वो अपने एरिया में अपने तरीके से काम कर सकते हैं। भारत को जानने के लिए साइकिल यात्रा आपको कितना हेल्प कर रहा है, क्या यूथ को ये करना चाहिए? हाँ देखिए, साइकिल एक ऐसा माध्यम है कि आपको पैसा खर्च नहीं होता है जाने में, और बहुत साइकिल से आप बहुत धीरे धीरे आप जाते हैं, बहुत सारा कुछ देखते हैं जो गाड़ी में नहीं देख सकते हैं, बस में नहीं देख सकते हैं, बाइक से नहीं देख सकते हैं, और साइकिल है आपका मतलब आप फिट भी रह सकते हैं। तो ये बहुत धीरे धीरे माध्यम है और सब कुछ देख सकते हैं। तो साइकिल मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए भी बहुत काफ़ी अच्छा माध्यम है घूमने के लिए, सबके लिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। झारखंड में दोबारा स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।